हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति बारी हो, और इससे पहले मैंने आपको वीडियो पार्ट वन पार्ट टू शेयर कर दी है, जिसमें मैंने बताया था काले दाग धब्बों को कैसे हाइड करेंगे मेकअप से, एंड राउंड फेस पे कैसे कंट्रोल करना है, कैसे हाईलाइट करना है, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अगर वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो जल्दी से देख लीजिए। आज का जो वीडियो है, इसमें मैं बताऊंगी पूरा डिटेल में आईब्रो फिल करने के लिए, आई मेकअप छोटी आंखों को बड़ा कैसे दिखाएंगे, एंड लिपस्टिक अप्लाई करने के लिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आपको आईब्रो फिल करने के लिए आईब्रोज के नीचे से प्रॉपर लाइन एक देनी होती है इस तरीके से, ओके, एंड ऊपर से फिर से जैसा शेप आपको चाहिए वैसा देना होता है। सेम इसी तरीके से इसको नापते हुए लेके जाएंगे, एंड बिल्कुल भी ये नहीं देखना है कि आपका हेयर कहाँ है। हेयर से मतलब नहीं है, आपका जो शेप है सेम टू सेम देना है। हेयर जहाँ भी है उसको छोड़ दो। देखिए इसके नीचे हेयर है बट उसको छोड़ना है हमको, और शेप परफेक्ट आनी चाहिए दोनों आईब्रोज की। जहाँ पर हेयर नहीं है वहाँ पर हमको पेंसिल से बनाना है। तो अभी शेप बिल्कुल परफेक्ट आ गया, ओके। अब हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, उससे क्या होगा जो लुक है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे आई मेकअप आईब्रो फिल करने वाला ब्रश, एंड इतने ही प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ओके, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। आउटर कॉर्नर का ब्लेंड होने के बाद से आपको धीरे धीरे इनर कॉर्नर पे आना है, और जो प्रोडक्ट लगा हुआ है उसी को ब्लेंड करना है, और प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं लगाना है फ्रंट में। तो ये हमारा अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी करना है, धीरे धीरे फ्रंट की तरफ आएंगे एंड ब्लेंड कर लेंगे। जाके वीडियो जरूर चेक कीजिएगा, डार्क सर्कल को कैसे हाइड करते हैं मेकअप के थ्रू, राउंड फेस पे कॉन्टोर कैसे करना चाहिए। तो ये हमारा आईब्रो फिल हो गया अच्छे से। अब बारी आती है कि हमने अगर एक्स्ट्रा हेयर है उसको हाइड किया है पेंसिल के थ्रू, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। जैसे यहाँ पे कई लोगों के मेरे मान लीजिए लाइट है हेयर तो नहीं दिखाई देते, लेकिन कई लोगों के डार्क होते हैं, तो उसमें क्या करोगे आप इस वाले एरियाज को हाईलाइट करोगे हाईलाइटर से, जिससे कि जो अगर आपका हेयर है भी तो वो हाइड हो जाए, ओके। तो अगर आपको आईज को बड़ा दिखाना है तो कुछ इस तरीके से लाइनर लगाना है। स्पेस नहीं था जिसकी वजह से ये वाला नहीं दिख पाया, तो आपको अभी मैं दोबारा दिखा देती हूँ। और आपको मिडल तक आपको लाइनर को इस तरीके से लेके आना है, फ्रंट में आपको नहीं लगाना है लाइनर। देन दूसरी आईज पे इसी तरीके से लगा के दिखाती हूँ आपको। सेंटर से स्टार्ट करना है लाइनर लगाना, विंग्स को बनाएंगे, और आउटर कॉर्नर पे आपको थोड़ा सा चौड़ा लाइनर लगाएंगे कुछ इस तरीके से। ओके, अगर आपकी आईज भी छोटी है तो आप ये फॉलो कर सकते हो। इनर कॉर्नर पे जितना पतला हो सके उतना पतला लाइनर यूज कीजिएगा, अगर आपको आईज को सच में बड़ा दिखाना है तो। यहाँ से इस तरीके से जरूर थोड़ा सा विंग्स निकालिएगा, इससे जो आईलाइनर होता है वो बिल्कुल प्रोफेशनल लगता है। अब बारी आती है नीचे कैसे करना है, तो जो आपका इधर का एरिया है उसको आपको चौड़ा लाइनर लगाना है, एंड मिडल तक आप लेके आओगे, पूरा इनर कॉर्नर तक नहीं लेके आना है। आंखों को बड़ा दिखाने के लिए आपको इस तरीके से लाइनर अप्लाई करना है। ओके, बिल्कुल हल्के हाथों से इनर कॉर्नर तक लेके आओगे, बिल्कुल लाइट लगना चाहिए, बिल्कुल भी डार्क नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप लाइनर लगाओगे तो आपकी आईज जो है वो बड़ी दिखेंगी, और अगर आपको लगे कि आपका जो विंग्स है वो थोड़ा सा अलग दिख रहा है या फिर सेम नहीं दिख रहा है, तो आप कंसीलर यूज कर सकते हो इनको सेम दिखाने के लिए।
तो मेरी जो विंग्स है, दोनों थोड़ी डिफरेंट दिख रही है, तो इसके लिए मैं पहले तो दोनों को सेम कर लूंगी, क्योंकि ये जो विंग्स है वो ऊपर की तरफ दिख रही है और ये नीचे की तरफ दिख रही थी, तो इनको इस तरीके से सेम बना लिया है। अब ये वाला ज़्यादा हो गया तो इसको हम लोग रिमूव कर लेंगे। ओके, अभी आपको दिख रहा होगा कि सेम दिख रहा है ये। आईज को बड़ा दिखाने के लिए आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हो, और आपकी जो छोटी छोटी आईज है वो बड़ी दिखेंगी। उसके बाद आपको काजल वाइट अप्लाई करना है अगर आईज को बड़ा दिखाना है तो। ओके, तो काजल के लिए हम लोग यहाँ पे बड़ा, सॉरी, आईज को बड़ा दिखाना है इसलिए हम लोग वाइट काजल अप्लाई करेंगे, और विंग्स थोड़ा लंबा रखिएगा अगर आईज को बड़ा दिखाना है तो। ओके, अब हमारी बारी आती है कि नीचे अगर आपका विंग्स खराब हुआ है तो आपको क्या करना है। तो आपको लेना है अपना फेवरेट कंसीलर एंड इस टाइप का फ्लैट ब्रश। कंसीलर को लेंगे जस्ट विंग के नीचे, इस तरीके से अप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा बिगड़ा होगा लाइनर वो बिल्कुल परफेक्ट और सेम हो जाएगा। अब हम लोग अप्लाई करेंगे व्हाइट काजल। अगर आपके पास व्हाइट काजल नहीं है तो आप आई शेडो पैलेट में से वाइट कलर का आई शेडो यूज कर सकते हो, बट मेरे पास है तो मैं वाइट काजल यूज कर ले रही हूँ। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप यूज कीजिएगा। वाइट काजल लगाने से आपकी छोटी आईज भी बड़ी दिखती है इस तरीके से। वाइट काजल लगा दिया, अब मस्कारा लगाना है और एंड आई लैसेज आप अप्लाई कर सकते हो। तो मस्कारा मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ लैक्मे का, क्योंकि मुझे मस्कारा बिल्कुल वाटरप्रूफ चाहिए, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती मैं मस्कारा के साथ, क्योंकि मस्कारा अक्सर फैल जाता है हमारा और सारा मेकअप लुक खराब हो जाता है। तो इसलिए वाटरप्रूफ लीजिए ताकि जल्दी से जल्दी सूख जाए और आपका मेकअप जो है वो खराब ना हो। अब हम लोग आई लैसेस लगा लेंगे, दैट्स इट, आपका लुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे पहले अपने लिप्स को आउटलाइन करेंगे, आई मेकअप नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। आउटलाइन किए बिना कभी भी लिपस्टिक नहीं अप्लाई करना चाहिए। अब हम लोग अपना फेवरेट लिपस्टिक जो भी आपको लगाना है वो लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे लाइट पिंक लगा रही हूँ। आउटलाइनर जो हम लोग यूज करते हैं अक्सर, कोशिश कीजिए कि आपके लिपस्टिक से मैच होता हुआ ही हो या फिर हल्का फुल्का एक दो शेड अलग हो। बिंदी लगा लीजिए एंड अपना हेयर स्टाइल कंप्लीट कीजिए और आपका लुक जो है वो कंप्लीट है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, आई होप कि पसंद आया हो, और मेकअप कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पार्ट 3 अपलोड किए हैं, 3 अलग अलग पार्ट्स में ये मेकअप अपलोड किया है मैंने। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं तो देख जरूर लीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। कैसा लग रहा है आपको लुक, एंड आईज को बड़ा दिखाना है तो ये ट्रिक जरूर फॉलो कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आप देख सकते हो बिल्कुल भी फिल्टर नहीं है इस मेकअप में, एंड बहुत ही बिल्कुल एकदम ओरिजिनल कैमरे से बना रही हूँ, बिल्कुल भी फिल्टर नहीं, एकदम पास में आके दिखा रही हूँ, कहीं से फटा नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आईज को बड़ा दिखाने के लिए आप इस तरीके से मेकअप कर सकते हो, और कैसे कैसे आपको लॉन्ग फेस, सॉरी, 6 फेस टाइप होते हैं, फेस शेप के अकॉर्डिंग कैसे आपको मेकअप करना चाहिए, कौन से फेस शेप पे कैसे कंट्रोल करना है, कैसे हाइलाइटर लगाना है, सारी चीज़ें क्लियर की हैं। तो वीडियो जाकर जरूर चेक कीजिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है। राउंड फेस पे कैसे करना है मेकअप, एंड बहुत ज़्यादा काले दाग धब्बे वाले स्किन पे कैसे करते हैं मेकअप, एंड आंखों को बड़ा दिखाने के लिए, छोटी आंखों को बड़ा दिखाने के लिए आपको किस तरीके से लगाना चाहिए लाइनर एंड मस्कारा एंड आई लैसेस,
जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। छोटी आइज को कैसे बड़ा दिखाएंगे, क्या क्या प्रोसेस करना चाहिए छोटी आंखों पे कि आपकी आंखें बड़ी दिखें एंड खूबसूरत दिखें, उसके लिए वीडियो डिटेल में जा चुकी है चैनल पे, तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। मेरी आइज देख के भी आपको समझ में आ रहा होगा कि छोटी आंखों पे कैसे मेकअप करना चाहिए, डिटेल में वीडियो अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पे प्रीति वाले चैनल पे, तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। कैसा लग रहा है आज का मेकअप जरूर बताइएगा। एंड मेकअप को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया है मैंने, राउंड फेस पे कैसे आपको करना चाहिए कॉन्टोर, हाईलाइट, ब्रश,